हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके लिए अगेन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे क्या दिखा है, फूल गोभी में भूरापन, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है। मीन्स आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी फूल गोभी होती है, अपन फूल गोभी की सब्जी खाते हैं, तो यहाँ पर उसमें यदि भूरापन आता है, क्योंकि वैसे फूल गोभी का कलर कैसा होता है, अराउंड ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, लाइट ग्रीन कलर होता है, लेकिन उसमें यदि भूरापन है तो वहां पर किसकी कमी होगी, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरोन या जिंक, तो यहाँ पर फटाफट एक बार राइट आंसर आना चाहिए आपका। फूल गोभी में किसकी कमी के कारण तुम्हारा भूरापन होता है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, फूल गोभी जो होती है उसमें यदि बोरोन की कमी होती है, किसकी, बोरोन की, तो बोरोन की कमी के कारण क्या आता है तुम्हारे पास में, भूरापन उत्पन्न हो जाता है। मीन्स कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, फूल गोभी में भूरापन बोरोन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखो क्या पूछा है आपसे, पादपों को कितने आवश्यक, किसके बारे में बात की बच्चों, आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मीन्स आपको यहां पर बताना है कि जो आपके प्लांट्स हैं, पादप जो है, उनमें कितने पोषक तत्व आवश्यक माने गए हैं टोटल। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा है, 15, सेकंड ऑप्शन 16 है, थर्ड ऑप्शन 17 है, और फोर्थ ऑप्शन जो है 18 है। फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट आंसर क्या रहेगा, आवश्यक पोषक तत्वों की जो मात्रा है या कुल संख्या कितनी है, वो यहां पर फटाफट यहां पर राइट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो यहां पर देखिए, जो पादप होते हैं आपके, उनके लिए आवश्यक पोषक तत्वों, जिसमें प्राथमिक भी आते हैं और द्वितीय पोषक तत्व भी आते हैं, कुल मिलाकर जो है इनकी संख्या कितनी आपके पास में, 17 रखी गई है। मीन्स कुल 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको अपन बोल सकते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये इनके बिना पौधों की संपूर्ण ग्रोथ होना संभव नहीं होता है। ये सारे अपन को प्रवाहित करवाने पड़ते हैं, कुछ आपको मृदा में मिल जाते हैं, कुछ अपन को जीवांश पदार्थ डालकर अपन क्या करते हैं, पौधों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बात है क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या पूछा है, बालू के कणों का आकार होता है, बालू जो होती है, सैंड जो होती है, उसके कणों का आकार कितना होता है। कल अपन ने बात की थी किसके बारे में, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात की थी। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या रहेगा, 2 mm से अधिक, 2.022 से 0.02 mm, या 0.02 से 2 mm, या 0.002 mm से कम होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका। तो यहां पर देखिए बच्चों, बालू के जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है आपके पास में, 2 mm से लेकर 0.02 mm तक होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 0.02 mm से लेकर 2 mm तक होता है। तो इस कैटेगरी में जितने भी मृदा के कण आएंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, बालू के कण बोला जाता है ना। फिर बात की क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में। क्या पूछा है, साधारण मृदा, नॉर्मल जो सॉइल है, उसका स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी आपको बताना है, बल्क डेंसिटी क्या होगी। मैंने कल भी इसकी वैल्यू आपको बताई थी कि जो आपकी सामान्य सॉइल जो होती है, मृदा जो होती है, उसका स्थूल घनत्व जो है, बल्क डेंसिटी, आप क्वेश्चन में यहां पर स्थूल घनत्व नहीं लिखे, वो बीडी भी लिख सकता है या बल्क डेंसिटी भी लिख सकता है। तो इसका राइट आंसर फटाफट यहां पर बताना है, क्वेश्चन नंबर फोर का क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 1.4 से 1.8 ग्राम पर सीसी, है ना। सेकेंड ऑप्शन 2.5 से 2.8 ग्राम पर सीसी, थर्ड ऑप्शन 2.8 से 3.0 ग्राम पर सीसी। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए, यूनिट है ये, तो किसको बता रहे हैं, द्रव्यमान को बता रहे हैं, और यहां पर सीसी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक, सॉरी यहां पर सीसी का मीन्स क्या है तुम्हारे पास में, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, है ना, क्योंकि अपन क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर पर क्यूब क्यूब लिखते हैं,
जो आपके पास में क्या होता है घनत्व का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहां पर सीसी से कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपके पास में, साधारण जो मृदा होती है बच्चों उसका स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी आपके पास में कितना होता है, लगभग 1.4 से 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। बात है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या पूछा है, प्राथमिक पादप पोषक तत्वों में शामिल है या सम्मिलित है, मीन्स आपके जो पादप है उनके प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होंगे। पहला ऑप्शन जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक या कॉपर और मोबिलिडियम। तो यहां पर फटाफट राइट आंसर बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन सा होता है। बच्चों यहां पर देखिए प्राथमिक पोषक तत्वों में किस किस को सम्मिलित किया गया, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को और पोटास को, है ना, या पोटेशियम को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अब यहां पर हो सकता है क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें या तो सिंबल देगा या उनके नाम होगा, है ना। तो यहां पर कौन कौन से होंगे, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये तीनों क्या होते हैं तुम्हारे पास में, एनपीके जो होता है वो किसमें कंसिडर करता है अपन, प्राथमिक पोषक तत्वों में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखो क्या पूछे, निम्न में से किसकी नमी बनाए रखने की क्षमता न्यूनतम है, मीन्स आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है, मृदा है, जिसमें पानी का रुकाव या पानी का जो ठहराव है वो बहुत कम होती है या पानी को सोख के बहुत कम मात्रा में रखती है। पहला दुमत मिट्टी, मृतिका मिट्टी, बलुआ मिट्टी या मर्मिका मिट्टी। यहां पर फटाफट राइट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा, नमी बनाए रखने की क्षमता मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो मिनिमम किसकी होती है, नमी बनाए रखने की क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मिनिमम उसने पूछी है। तो यहां पर देखिए बच्चों मिनिमम किसकी होगी, जिसके पास में जो रंध्र है वो क्या होंगे, कम होंगे, है ना, मीन्स जिनके आकार प्रॉपर होगा। तो यहां पर देखिए सबसे कम जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है आपके पास में, बलुआ जो मिट्टी होती है, मीन्स अरे बालू जो मिट्टी होती है अपने पास में। तो एक तो जैसे ब्लैक सॉइल जो होती है, जोहड़ में पानी क्यों भरता है, उसका कारण क्या है, वहां की मिट्टी कैसी होती है, चिकनी दुमट होती है, तो उसमें क्या होता है पानी लंबे समय तक होल्ड करके रखती है। और एक अपने खेतों में जहां पर बिल्कुल बलुई मिट्टी है ना, बालू जो होती है उसमें पानी क्या होता है जल्दी से मिट्टी के अंदर सोख के चला जाता है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सदैव क्या होती है, कम होती है। तो बात है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या पूछा है, मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर, किसका, पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ फसल क्रम कौन सा है। इस बार इसने क्या बात की, फसल क्रम के बाद बात की, मीन्स एक फसल बोने के बाद में दूसरी ऐसी कौन सी फसल बोनी चाहिए जिससे मृदा में जो आपके पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा, उनका स्तर कैसा रहे, एक प्रॉपर बना रहे। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है धान गेहूं, दूसरा जवार गेहूं, तीसरा मूंगफली गेहूं या मक्का गेहूं। यार इसका राइट आंसर फटाफट आ जाना चाहिए क्योंकि ये तो अपन भी खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसके पश्चात अपन गेहूं की फसल करते हैं या कौन सी जमीन ऐसी है जिसमें आपने पहले फसल की उसके बाद में आपने वहां पर गेहूं की बुआई की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा आपके पास में, मूंगफली और गेहूं, क्योंकि सेकंड वाला जो क्रम है वो तो सेम है, सब में गेहूं की बात की है। तो अब यहां पर ये तो जनरल क्वेश्चन है कि मूंगफली बोने के पश्चात दिवाली पे जैसे अपन मूंगफली हार्वेस्ट करते हैं तो उसके जस्ट पश्चात उसमें क्या करते हैं अपन, गेहूं की बुआई करते हैं, ऐसा थोड़ी उसमें सरसों बो देते हैं, नहीं उसमें क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, सी रहेगा, मूंगफली के पश्चात अपन गेहूं की बुआई करते हैं। जिन जिन लोगों के घर में मूंगफली बो रखी है वो देखना, मूंगफली काटने के बाद में, हार्वेस्ट करने के बाद में, वहां से निकालने के पश्चात अपन क्या करते हैं उसमें गेहूं की बुआई करते हैं, क्योंकि उससे मृदा का जो पोषक तत्वों का स्तर है वो बना रहता है और आपका जो प्रोडक्शन है वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में आपके पास में होता है। ठीक है, तो बात है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या पूछा है, देखिए मृदा में पाए जाते हैं, आपको पूछा है कि मृदा में क्या क्या पाया जाता है। यहां पर उसने बात की खनिज पदार्थ, जीवांश पदार्थ, मृदा जल या सभी। फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या रहेगा।
तो यहां पर देखिए बच्चों, मृदा में आपके पास में मृदा के जब अवयवों के बारे में बात की थी तो अपन ने देखा था कि मृदा में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जीवांश पदार्थों की मात्रा भी उपस्थित रहती है और मृदा जल भी उपस्थित रहता है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर डी रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं, मृदा में उपस्थित रहते हैं। इनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है लेकिन तीनों क्या होते हैं, सॉइल में ही प्रेजेंट रहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या पूछा है, पौधों में अधिक नाइट्रोजन से क्या हो सकता है? अरे जब अपन खेती कर रहे हैं और आपने यूरिया यदि अधिक दे दिया या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिए तो उस कंडीशन में फसल की वृद्धि पर या फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला क्या दिक्कत है, ज्यादा रस बढ़ना, जड़ों की गहरी वृद्धि होना, जल्दी पुष्प खिलना या परिपक्वता में देरी। फटाफट यहां पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा, पौधों में अधिक नाइट्रोजन से क्या हो सकता है? देखो बच्चों, पौधों में जब अपन एक लिमिट होती है ग्रोथ करने की, अरे अपन शरीर में भी क्या होता है, एक लिमिट तक ही अपन खाना खा पाते हैं, उसके बाद में अपन को प्रेशन क्या होती है ना, प्रेशन होते पिरसास नहीं आना। सिमिलरली क्या होगा, पौधों में जब एक लिमिट के बाद में उनकी जितनी कैपेसिटी है, उनको जितनी जरूरत है, उससे अधिक नाइट्रोजन यदि आप प्रोवाइड करवाओगे तो उनकी ग्रोथ जो होती है, उनकी परिपक्वता जो होती है, उसमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। मीन्स फसल जैसे गेहूं की 5 महीने में पकनी चाहिए, आपने यदि ज्यादा उसमें नाइट्रोजन दे दिया तो 6 महीने के लगभग आपका क्या करता है, समय ले लेता है। इसलिए क्या बोलते हैं यहां पर कि जब फसल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर परिपक्वता जो होती है, मीन्स पकने का जो समय है उसमें क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, पकने का समय ज्यादा हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो बात है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या दिक्कत है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मीन्स जो आपका सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, कानपुर में, करनाल में, नागपुर में या भोपाल में? फटाफट यहां पर राइट आंसर बताइए। केंद्रीय सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर स्थित है तो बताए। यहां पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों क्या रहेगा, करनाल रहेगा, क्योंकि करनाल में आपका सोइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश है और साथ में ही करनाल में आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भी है। कौन सा, एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां है, करनाल में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि करनाल में दो केंद्रीय इंस्टीट्यूट केंद्रीय संस्थान स्थित है, एक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और दूसरा क्या है, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वहां पर स्थित है, दोनों के सेंटर वहीं पे है। ठीक है, तो बात है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या पूछा है, अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है? मीन्स जो आपकी मृदाएं अम्लीय हैं उनमें ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाना चाहिए जिससे उनकी अम्लीयता में कमी हो जाए या वो फसल करने योग्य, फसल की बुआई योग्य हो जाए। यहां पर पहला ऑप्शन जिप्सम दे रखा है, सेकेंड चूना, तीसरा थायो यूरिया या चौथा कोई भी नहीं। यहां पर देखिए बच्चों, अम्लीय मृदा है, मीन्स पीएच आपका क्या होगा, पीएच आपका 7 से कम होगा, है ना, और जब पीएच 7 से कम होगा तो पीएच बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूना मिलाना पड़ेगा या चूना युक्त पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि चूना में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कैसा है, हमारे पास में क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय मृदाओं में उपस्थित रहता है। इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। हमेशा अम्लीय मृदाओं में या तो चूना मिलाओ या चूना युक्त पदार्थ अपन को क्या करना चाहिए, मिलाने चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या देखा है, ऋणायन विनिमय को क्या कहते हैं? आपको फटाफट बताना है कि ऋणायन विनिमय किसका नाम है, अमल विनिमय, भस्म विनिमय या धनायन विनिमय या कोई भी नहीं। फटाफट यहां पर राइट आंसर आना चाहिए कि ऋणायन विनिमय को क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ऋणायन विनिमय जो होता है आपका, उसका दूसरा नाम क्या होता है, अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। जब मैंने धनायन विनिमय के बारे में, आयन एक्सचेंज के बारे में, आयन विनिमय के बारे में बात की थी, तब अपन ने देखा था कि धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय क्या होते हैं। ऋणायन विनिमय का दूसरा नाम क्या होता है, अम्ल विनिमय भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बात थी क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या पूछा है, निम्न में से कौन से पौधा या कौन सा पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है? मीन्स यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में 4 पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। यहां पर आपको बताना है
प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है फिर आंसर करना है। यहां पर क्या पूछा, प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। और अभी अपन ने देखा था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। ये तीनों क्या है बच्चों तुम्हारे पास में, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कैल्शियम द्वितीयक पोषक तत्वों में अपन कंसिडर करते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व नहीं होता है, केवल और केवल एनपीके जो है वो प्राथमिक पोषक तत्वों में अपन कंसिडर करते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है। आपको बताना है कि राजस्थान जो है उसके में कितना क्षेत्रफल ऐसा है जो लवण प्रभावित है, मिस लवणीय मृदाओं, जहां पर लवणीय मृदाएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन 3.74 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर, 0.5 लाख हेक्टेयर या कोई भी नहीं। ये मैंने आपको जब लवणीय मृदाओं के बारे में बात की थी वहां पर भारतीय क्षेत्रफल के बारे में बात की थी, और अपना किसके बारे में, राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं के क्षेत्रफल के बारे में भी बात की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा 3.74 लाख, मीन्स अराउंड 4 लाख, 4.25 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो क्या है लवणों से प्रभावित है। इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, जैसे सांबर है, कुछ नागौर का क्षेत्र आता है, अजमेर का भी आता है, तो ये सारे क्या है लवण प्रभावित है। और इनका कितना एरिया, लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर तुम्हारे पास में है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पाइराइट जो है, मीन्स पाइराइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर में। फटाफट यहाँ पर राइट आंसर बताइए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, कौन से जिले में पाइराइट जो है वो पाया जाता है, पाइराइट खनिज की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, पाइराइट जो है वो आपका सीकर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, सीकर जिले में पाया जाता है, ठीक है, सीकर जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पादप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में थे, कुछ क्वेश्चन आपके खनिज लवणों से भी थे, कुछ आपके मृदा कोलाइड से भी थे। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आने चाहिए। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वो सब चीजें अपन ने यहाँ पर बात की। यदि फिर भी किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9549405063 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपका डाउट क्लियर कर सकते हो कभी भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।